अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल इन वन चैनल। आज हम बनाएंगे कीमा शिमला मिर्च। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कीमा, ये घर पर बना कीमा है 1 कप। यहाँ गरम मसाले लिए हैं मैंने, 3 इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, 2 स्टिक दालचीनी लौंग। मसालों में हल्दी 1/2 चम्मच, 1 छोटा चम्मच नमक, 1.5 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, शिमला मिर्च 4 से 5 टुकड़ों में कटे हुए, छोटा बारीक प्याज काटेंगे पतला, हरा धनिया। तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे गर्म मसाले और इसको खुशबू आने तक भूनेंगे। आधे से 1 मिनट तक भूनेंगे। अब प्याज डाल देंगे इसमें हम, प्याज डालकर मिक्स करेंगे, लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन हमें नहीं करना प्याज को, अच्छे से भूनेंगे प्याज को हम। ये देखिए प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब हम इसको चेक करते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कीमा, ये घर पर बना कीमा है। कीमा डालकर मिक्स करेंगे और तेल में 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। अच्छे से हम फ्राई करेंगे कीमा को, तेल छोड़ने तक कीमा अच्छे से भूनेंगे इसको हम। अब इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी भूनेंगे। अच्छे से मिक्स करें, अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल जाने तक भूनेंगे हम। अब हम इसको और मिक्स करेंगे, कीमे को थोड़ा हम कलर आने तक भूनेंगे। ये देखिए कलर आ रहा है इसका, प्याज के साथ भूनने से कीमे का कलर अच्छा आता है। ये देखिए आप देख सकते हैं भुन चुका है हमारा कीमा। अब हम इसमें डालेंगे सारे सूखे मसाले, मसाले डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले डालकर हम मिक्स करेंगे साथ ही में, ताकि मसाले नीचे जले ना, और कीमे के साथ मिक्स करेंगे हम मसालों को। ये देखिए दोस्तों मसाले कीमे के साथ अच्छे से भुन चुके हैं, तेल भी ऊपर आ चुका है। और इसमें अब हम डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। कीमा यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मोटा है इसलिए मैंने पानी डाला है, अगर आपका कीमा बारीक है तो आप थोड़ा सा पानी 1 से 2 बड़े चम्मच डालकर कुक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों पक चुका है हमारा कीमा, देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है यहाँ पर। अच्छे से मिक्स करेंगे हम, ये देखिए अच्छा सा शाइन आया है इसमें। इसमें अब हम डालेंगे हम शिमला मिर्च कटी हुई, यहाँ पर मैंने इसको क्यूब्स में कट किया है, आप अपने हिसाब से इसे छोटा बड़ा पतला किसी भी तरह शेप में काट सकते हैं। मिक्स करेंगे शिमला मिर्च डालकर भी हम, ताकि मसाले शिमला मिर्च और कीमा अच्छे से मिक्स हो जाए एक साथ। अच्छे से चला लेंगे हम इसको और साथ ही में भूनते भी जाएंगे। ये देखिए दोस्तों पकना स्टार्ट हो रही है हमारी शिमला मिर्च। ये देखिए भून चुका है, तेल ऊपर आ चुका है, शिमला मिर्च डालकर हमने जो भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी और शिमला मिर्च को कुक करने के लिए। पानी आप शिमला मिर्च के साइज़ पे डिपेंड करता है कि कितना डालना है, यहाँ पर मैंने क्यूब्स में काटा है इसलिए 1/2 ग्लास पानी डाला है। और अब इसको हम कुक करेंगे। ये देखिए दोस्तों पानी डालकर हमने कुक किया था 4 से 5 मिनट, शिमला मिर्च अब कुक हो चुकी है कम्प्लीटली। अब और मिक्स करेंगे हम इसको, ताकि इसका सारा पानी सूख जाए, थोड़ा जो बचा है सुखा लेंगे हम इस पानी को भूनते हुए। शिमला मिर्च कुक हो चुकी है, देख सकते हैं आप,
कलर कितना अच्छा आया है इसका। मिक्स कर दिया हमने दोस्तों, गैस हमने यहाँ पर बंद कर दी है और शिमला मिर्च हमारी तैयार है। चलिए देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है डिश हमारी। चलिए दोस्तों अब हम इसको सर्व करते हैं। तो लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर, इसको सर्व करते हैं। दोस्तों आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, आप इसे सहरी में बना सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है ये डिश रोटी के साथ। कितनी यम्मी लग रही है देखने से ये डिश। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ। तो लीजिए दोस्तों बनकर तैयार है कीमा शिमला मिर्च।